दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात पता नहीं वाले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। और आज का विषय जो है भागीदारी अधिनियम में आने वाले और भाग जाने वाले भागीदार, इसके बारे में। अब जो भागीदारी होती है, पार्टनरशिप होती है, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है, जिसमें खास करके व्यवसाय के लिए एक साथ सब जुड़ जाते हैं, जिसमें पूंजी होती है। कोई बोलता है कि भाई मैं कोई प्रणाली लाता हूं, कोई बोलता है मैं मेरा वक्त देता हूं, कोई बोलता है खाली मैं पैसा देता हूं। ये जो कुछ सब लोग मिलके एक साथ लाते हैं और उससे वो धंधा चलाते हैं, वो धंधा चलाते समय वो पार्टनरशिप में लिखा जाता है कि भाई इसमें अब पार्टनरशिप तो होती है तो फायदा और नुकसान तो होगा, वो फायदा नुकसान और सब लोगों में कैसा बांटा जाएगा, इसको रेशो बोलते हैं। पार्टनरशिप का रेशो भी होता है। अब ऐसा भी होता है कि भाई मैंने पैसा भी लाया, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, वक्त भी दे रहा हूं, मैं तीन जनों में मैं ही सब कुछ किया, ज्यादा से ज्यादा किया, मेरा जगह मेरा ही है तो 60% मेरा, बाकी दोनों का 20-20। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है कि दोनों एक साथ मिलजुल के काम करते, पैसा लगाते, वक्त देते, दोनों में 50-50%। अलग अलग पार्टनरशिप, अलग अलग उसका फ्लेवर होता है। और ये बात हरदम होती है कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर का कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में कुछ अनबन होती है, तनाव होता है, मतभेद होता है, मनभेद होता है, और फिर एक भागीदार बोलते कि भाई मैं अभी हो बहुत हो गया, इतने दिन से मैं सह रहा हूं, अभी मुझे भर जाने पार्टनरशिप से बाहर। अब वो पार्टनरशिप से अगर जब आदमी बाहर चला जाता है तब, या कोई पार्टनर नया आप लाते हो तब, ये पार्टनरशिप एक तरीके से नया हो जाता है। यही एक बात हरदम है कि बाहर जाने वाला पार्टनर होता है वो तो बोलेगा कि भाई मैंने जो मेहनत किया, पैसा लगाया और मेहनत की है, उसका मुझे जो मेरा हक है वो दे दो। वो खास करके उसमें गुडविल भी रहती है कि इतना जो नाम कमाया है जो फर्म ने, उसमें मेरा भी हिस्सा है, वो फर्म के गुडविल का भी पैसा मांगा जाता है। वैसे नया आने वाला आदमी अगर मान लो चार जन ने एक धंधा प्रस्तावित किया है, फायदे में धंधा है, और पांचवा बोल रहा है कि मुझे आना है भाई, मुझे भी आप पार्टनर करके ले लो, तो भाई वो सस्ते में उसको पड़ेगा, वो कुछ नहीं किया उसने और वो फायदा के लिए हकदार बनेगा, तो उसको बोला जाता है भाई ये फर्म का ये XYZ गुडविल अमाउंट हमने तय किए, वो गुडविल का अमाउंट है, वो गुडविल का अमाउंट आपको देना पड़ेगा, तो आपका भी गुडविल में हकदार आ जाएगा और फिर एक साथ सब प्रॉफिट या तो लॉस शेयर करेंगे। तो अलग अलग तरीके से पार्टनर्स जोड़े जाते हैं, निकाले जाते हैं। अब निकालना है, निष्कासन करना है, वो अलग बात है। मृत्यु हो गई तो भाई उसके लीगल एयर आ जाते हैं, पत्नी है या बेटा बेटी जो कुछ है वो लिखा जाए उस हिसाब से आ जाते हैं। यार अगर किसी ने बोल दिया मैं मुझे रिटायर होना है, ये बहुत हो गया मेरे को, यार तकलीफ होती है, अभी मेरा बीपी बढ़ गया, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को रिटायर नहीं, तो रिटायर करने के लिए वो त्याग पत्र अगर देता है तो पार्टनरशिप में लिखा जाता है कि भाई ऐसा त्याग पत्र देने वाले को कितना दिन का अवधि देना चाहिए, 30 दिन का अवधि वो नोटिस देगा कि मुझे भाई बाहर निकलना है। तो बाहर निकलते समय वो भागीदारी से अपना वो जो पैसा है उसका गुडविल का अमाउंट है वो लेके वो बाहर चला जाता है। अब अलग अलग तरीका मैंने बताया कि भागीदारी और विषय इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती। एक विकल्प होता है कि भाई तुमने जो कुछ किया है, वॉट एवर पार्टनरशिप जो तुम बोल रहे साझेदारी है, भागीदारी है, आपने लिखा पढ़ी की गई, वो जो लिखा पढ़ी होती है उसको पार्टनरशिप डील बोलते हैं। और उसमें हरदम ये लिखा जाता है कि भाई रेशो कितना है, जो पार्टनर अगर मान लो चार पार्टनर है तो सबका 25-25% भी होता है, अब पांचवा आ गया तो 25 का 20 तो होने वाला है, तो यानी पार्टनरशिप का नॉर्मल क्लेचर बदल जाता है, वो अलग सी हो जाती, नहीं हो जाती। इतना याद रखिए, नाम तो वही रहता है पर भाई अंदर का जो मामला है वो बदल जाता है। पार्टनरशिप डील है जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, जो कुछ है, जो बदलाव है,
वो बदलाव के हर समय, मान लो अगर चार जन है और उसमें से एक को निकलना है तो भाई सबका उसमें सहमति चाहिए। रेजिग्नेशन की बात छोड़ो, पर मान लो सब लोग ने तय किया कि एक किसी को ऐड, एक ने बोला एक को ऐड करना है, तो भाई सबकी सहमति है कि नहीं? और विदाउट सहमति तो ऐसा नहीं है चार जन में पांचवा जोड़ दिया, मैंने मेरे बीवी को ला लिया, चलो ये अभी आज से कल से वो पार्टनर, ऐसा नहीं होता है। सबकी सहमति चाहिए ये है। और ROF में अगर मान लो फर्म रजिस्टर किए तो वहां जाके हर चीज जो बदलाव है वो बदलाव आपको रजिस्टर करना पड़ता है। पार्टनरशिप यानी भागीदारी है, विषय ही बहुत बड़ा है, अलग अलग उसके ऊपर टॉपिक बनते रहेंगे, अलग वीडियो भी बनेंगे इसके बाद भी बनेंगे। और मुझे लगता है आज का विषय इतना ही था कि भागीदारी में आने वाले जो पार्टनर होते हैं, बाहर जाने वाले पार्टनर होते हैं यानी भागीदार होते हैं, उस विषय में एक सारांश के तरीके से मैंने आज बताया। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।